अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद नोमान। और आज मैं आप लोगों के साथ जो अपनी वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये है मेरा ट्रैवल फ्रॉम लाहौर टू कराची। राइट नाउ आई एम एट अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेरी 6 बजे की फ़्लाइट है कराची के लिए। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर आपको खाने पीने और शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लिमिटेड ऑप्शंस मिलती हैं, तो फ्लाइट से पहले वाला ये टाइम आपका बहुत मुश्किल से गुजरता है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कराची सिटी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। कराची बेसिकली खाने पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेमस है और स्पेशली चाय के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो लोग जो कि चाय को पसंद करते हैं, कराची से अच्छी चाय आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। और फाइनली मैं कराची पहुंच गया हूं और मेरा यहां पे स्टे पीसी होटल में है और मैं आज आप लोगों के साथ पीसी कराची का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। पीसी होटल पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट होटल्स में से एक है और अगर हम बात करें कराची पीसी की तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट होटल्स में से एक है कराची के। वेरी नाइस। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस वक्त पीसी होटल के कॉरिडोर को मैं इस वक्त क्रॉस कर रहा हूं और ये बहुत ही खूबसूरत है देखने में। मेरे राइट हैंड साइड पर मार्को पोलो रेस्टोरेंट है और कल मेरा ब्रेकफास्ट होगा यहाँ पे, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगा। और फाइनली मैं अपने रूम में पहुँच गया हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपना रूम शेयर करता हूँ कि यहाँ पे जब आप चेक इन करते हैं तो आपको क्या क्या बेसिक चीज़ें मिलती हैं। तो बेड देखने में बहुत कंफर्टेबल लग रहा है और एलईडी 55 इंच की है, स्मार्ट एलईडी।
और वार्डरोब में देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये लॉकर है, अगर आप अपनी कोई चीज़ को सेव करना चाहें, लॉन्ड्री बैग्स, और यहाँ पे देखते हैं एक्स्ट्रा पिलो है, स्टीम आयरन है, आयरन बोर्ड, और ये इन्होंने कैटल रखी हुई है, और टी बैग्स हैं, दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। और आज मैंने खाने के लिए मटन बिरयानी ऑर्डर की है। आप लोग देख तो रहे हैं, बट मैं इसका टेस्ट आपको बता सकता हूँ कि बहुत डिलीशियस है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, नस्ला टावर को डिमोलिश किया जा रहा है। वैसे तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे और भी बहुत सी बिल्डिंग्स हैं, देन वाई नस्ला टावर? कराची में आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ की रोड्स काफी वाइड हैं, और एक और अच्छी बात यह है कि इनकी जो सर्विस लेन है वो भी अच्छी खासी चौड़ी है, और इसके बावजूद यहाँ पे ट्रैफिक के इतने बुरे हालात हैं कि जैसे कि आप लोग न्यूज़ में भी देखते हैं, मैंने तो यहाँ पे लाइव देखा है ये सब। और इस वक्त मैं रेजिडेंशियल एरिया को क्रॉस कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं इन लोगों के घरों का स्टाइल और ये लोग कैसे रहते हैं। और फाइनली जैसे मैंने आप लोगों को चाय का बताया था, तो आप लोग देख सकते हैं कि चाय का कलर कितना अच्छा है। और ये है यहाँ का इम्तियाज स्टोर, और ये हम लोग इस वक्त जा रहे हैं लकी वन मॉल, जो कि पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल में से एक मॉल है। वैसे तो सब शॉपिंग मॉल अंदर से देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर मैं लकी वन मॉल की बात करूं, तो जिस तरह से इसका डिज़ाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया है, नो डाउट के ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और ये यहाँ का मेन हॉल है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है।
अगर हम यहाँ पे लोगों के लाइफस्टाइल की बात करें तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फ्लैट्स के बाहर रोड आयरन की ग्रिल बनी हुई है जो कि उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए बनाई हुई है। तो यहाँ की लाइफ इतनी आसान नहीं है जितना कि पंजाब के लोग कंफर्टेबली अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। और ये है फ्रेरर हॉल विच वॉज बिल्ड इन 1860 और 1865 में ये कंप्लीट हुआ था। बेसिकली ये लाइब्रेरी थी बट अगर अभी की हम बात करें तो ये एग्जीबिशन और डिफरेंट इवेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज हम लोगों का प्लान था इसको अंदर से देखने का बट जब हम लोग यहाँ पे आए तो पता चला कि यहाँ पे ऑलरेडी कोई इवेंट हो रहा है तो उन्होंने हमें अंदर जाना अलाउ नहीं किया। तो आप लोगों को मैं आज बाहर से दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली ओल्डेस्ट बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग है कराची में। और फुल डे स्पेंड करने के बाद अब मैं होटल में वापस आ गया हूँ। एंड नाउ आई एम गोइंग बैक टू लाहौर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।